ओम नमः शिवाय। नाखून द्वारा खतरनाक वशीकरण, ये वशीकरण पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो भी अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। नाखून द्वारा हमने बहुत सी ऐसी खतरनाक वशीकरण विधि बताई है जिसके प्रयोग से बहुत से साधक साध्वी, बहुत से प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी जिन्होंने अपने पति को या अपनी पत्नी को अपने वश में किया है, उन्होंने केवल एक बार ही उस विधि का प्रयोग किया और उसके बाद उनका प्यार, उनकी पत्नी, उनका पति उनके वश में है। जो प्यार उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहता था, वो प्यार अब हमेशा ही खुश रहते हैं, उनका परिवार बहुत ही खुश रहता है। आज की विधि भी नाखून द्वारा वशीकरण विधि है। इस विधि के प्रयोग से आप अपने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं। कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे। यदि आपको इस वशीकरण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है तो ही आप इस वशीकरण का प्रयोग करें। नाखून बहुत ही गलत माने जाते हैं, इनको इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं किए जाते, इन नाखूनों को जल्द ही काट लिया जाता है। इनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, इस नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव करने के बाद आप उन शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। केवल और केवल इस विधि के प्रयोग से आप जानेंगे कि किस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है। जो भी पति या पत्नी अपने प्यार को, अपनी पति को, अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इस नाखून द्वारा वशीकरण विधि को जरूर करें। इस विधि को करना बहुत ही आसान है। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उस विधि के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकें, ठीक कर सकें। और जिन भी साधक साध्वियों को इस विधि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो उन सभी साधक साध्वियों को इस विधि को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और सभी साधक साध्वी जो भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं या अपना जवाब देना चाहते हैं, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है या जो भी आपके साथ हो रहा है, तो आप हमें हमारे इंस्टा पर आप DM कर सकते हैं या आप इस खतरनाक वशीकरण को पूर्ण करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के नाखूनों को काट लेना है। हमने जिस तरह से पहले काट लिया है, आप इस तरह से एक प्लेन पेपर में अपने दोनों हाथों के नाखूनों को काट लें। आप इस कटर की सहायता से भी अपने नाखूनों को काट सकते हैं। आपने ध्यान रखना है अपने दोनों हाथों के नाखूनों को अच्छे से काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है, इस प्लेन पेपर पर अपने प्यार का, अपने पति का, पत्नी का, जिसको भी आप, जिस पर भी आप ये वशीकरण करना चाहते हैं उसका आप नाम लिख लें जिस तरह से हमने लिखा है इस पर। हमने लिखा है रानी और उसके बाद आप हाथ के नाखूनों को आपने इस कागज़ में रख लेना है। कागज़ में रखने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक पुड़िया बना लेनी है। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें। इसमें से एक भी नाखून नीचे नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रहे। इस तरह से आप एक पुड़िया बना लें और इस पुड़िया को आप अपने तकिए के नीचे रखकर, अपने सिराने रखकर आप सो जाएं। इस विधि को आपने शुक्रवार की रात को करना है और अगले दिन सुबह उठकर आप किसी भी आंख के पेड़ के नीचे या आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर आपने कागज को, थोड़ा सा कपूर लेकर आपने इस कागज़ के ऊपर आप कपूर रख कर इसको जला दें। ध्यान रहे आपने आग के पौधे के जड़ में जला सकते हैं या आप घर के नज़दीक आग का पौधा नहीं है तो आपने पीपल के पेड़ की जड़ में जाकर आप इसको जला दें। ये छोटी सी विधि करने के बाद 4 घंटे के अंदर ही आपको जिसका नाम आपने इस कागज़ में लिखा था, वो प्यार, वो पति या पत्नी, जो भी जिसका भी आपने नाम लिखा था वो आपके बस में होगा। जो भी आप बोलेंगे वो आपका कार्य, हर एक कहा मानेगा। केवल और केवल अच्छे कार्य के लिए की हुई ये विधि बहुत ही जल्द अपना चमत्कार दिखाती है।
यदि आप इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो जो भी गलत परिणाम होगा वो आपको भुगतना होगा। इसीलिए कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे। ये वशीकरण इतना खतरनाक वशीकरण है कि यदि जिस भी व्यक्ति का आप इस कागज पर नाम लिखते हैं और इस विधि को पूर्ण करते हैं, जिस व्यक्ति का भी नाम इसमें लिखा होगा वो व्यक्ति आपके वश में होगा। इसीलिए आप केवल और केवल अपने प्यार या अपने पति पत्नी के लिए ही इस वशीकरण विधि को करें, अन्यथा आप इस विधि का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। और यदि आपको जो भी समस्या हो जिसके बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय से नंबर पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए नंबर हमारा बंद चल रहा है। और इंस्टाग्राम ID पे आप किसी भी समय किसी भी समस्या की जानकारी ले सकते हैं। सभी साथी साथ भी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। ओम नमः शिवाय।